सुदेश के आने का इंतजार हम सबको रहता है, लेकिन आज उनके लिए यमदूत भी है बेकरार, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए हैं। देखते हैं अब कौन किसको टपकाता है और कौन यहाँ रह जाता है। प्लीज वेलकम भोली सूरत अजूबा सुदेश और E3 अजूबा कृष्णा एज देमसेल्व्स और हमारा नया टैलेंट सिद्धार्थ एज यमदूत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आज और पहली बार आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला है बरखा, वरना टैलेंटेड लोगों के सामने तो हम करते ही रहते हैं। खैर क्या बात है, कुछ एक्सप्रेशन दो यार, आपसे अच्छे एक्सप्रेशन तो पत्थर के, इसलिए 40,000 पर डे ज्यादा इसका है। Hey, you're looking hot today, yeah. Thank you. अक्षय जी आ रहे थे ना तो, सॉरी किसको, अक्षय कुमार को? नहीं, नहीं, I mean, को. I don't mind. Oh, आपको? नहीं, नहीं. Please, yeah. Sohail, should I? Please, please. Oh, Sohail. Please, कृष्णा मेरा भाई है. क्या बात है, क्या रिस्पॉन्स है। अर्चना जी ने कहा जिस बात पर रिस्पॉन्स मिले वो बार बार करना तुम। अरे क्या बात है अर्चना जी, ये एक पंच पे पप्पी दे रही है, अगर मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुना दी तो। आज हमारे सुपरस्टार आए अक्षय कुमार जी, परेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर राउडी राठौर, देखिए उसमें आपका डायलॉग था कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो अभी तक आपने बोला नहीं कि आप मुझे अपनी फिल्म में लेंगे, इसलिए डेफिनेटली देंगे ना। नहीं नहीं, मतलब अगर आप फिल्म में लेते हैं तो ठीक है, वरना पांव पकड़ने हमें भी आते हैं। अर्चना जी, ये जब से बोल बच्चन का की मैंने भीख मांगने की आदत नहीं जा रही है यार। क्या बात है परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परेश जी, आप पहले इतनी सारी फिल्मों में विलन आए और अभी अचानक से आप कॉमेडी में आ गए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है सर? अभी भी माशाल्लाह तंदुरुस्त है, मतलब विलन वाले काम आप कर सकते हैं। सर आप फिल्म में को प्रोड्यूसर भी, मुझे पता चला आप डेफिनेटली इस फिल्म से पैसा कमाएंगे, बताइए क्यों? क्योंकि हमारे शो का जो प्रोड्यूसर है ना विपुल शाह, जब उसने हम इंसानों पे और सुरेंद्र पे पैसा लगाकर इतना कमा लिया तो आपने तो फिर भी भगवान पे पैसा लगाया, आप जरूर कमाएंगे। अक्षय सर वो कौन सी फिल्म जिसमें वो खिलाड़ी 420 सब प्लेन के ऊपर खड़े होकर जा रहे थे, देखो कितने डाउन टू अर्थ हैं, इतने बड़े स्टार बन गए, पैसा कमा लिया, लेकिन मुंबई लोकल की आदत आज भी नहीं गई है इनकी। मेरे जो पार्टनर है परेश जी, सुदेश जी, उन्होंने आपके साथ वो फिल्म में काम किया। रेडी पिक्चर हूँ। तो तू पागल है यार, क्या है बात की मैंने, ताली बजा रहे हो क्या, बेवकूफ बना रहे हो मेरे को? अबे क्या हो गया, अबे डायलॉग बोल, बर्फी की नहीं ओ माय गॉड की प्रमोशन करनी है। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। पहले कौन सा, तू मेरे मामा का लड़का था बे। हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस कर रहे हैं 6 साल से, आप मेरे पार्टनर हो, इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं, समझे? कोई रिश्ता नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं ना। नहीं तो साले जो 10 साल से मेरी बीवी से जो तूने रिश्ता बना के रखा उसका क्या? मैं तेरे को अपने घर पे इसलिए आने देता था, मैं सोचता था तेरी नजर मेरी बेटी पे है। साले तू तू बहुत बोलते हो आप, मुझे फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है इस आदमी ने। मन तो करता है कभी कभी इसे चाकू मार दूं, लेकिन सीनियर है इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूं। बेटे मार चाकू। लगता मैंने ज्यादा मार दिया सुदेश जी, आई एम सॉरी। इसमें मैं तेरे साथ 5 साल काम किया कॉमेडी सर्कस में, तू चाहे खड़ा रहा कॉमेडी मैंने की, लेकिन मैं तेरा कोई एहसान नहीं रखना चाहता। ये ले अपना चक्कू वापस। हेलो हेलो, हाँ डार्लिंग, डार्लिंग मैं जा रहा हूँ, अगले जन्म में आऊंगा। अरे बर्बाद कर दिया सुदेश जी ने मुझे। हाँ लेकिन सुनो, जो हमने बच्चा पैदा किया ना जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, हाँ उसका ख्याल रखना। अगर तू सुदेश जी की बीवी ना होती ना, मैं तुझसे शादी कर लेता। मेरी बात करो। हेलो, अरे डबल विधवा होगी साली, तुझे को शर्म नहीं आती? कृष्णा ये तूने क्या किया यार, हमारा छोटा सा झगड़ा था, ये मूछों वाला गुंडा बुला लिया तूने मेरे को मारने का? ओए मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं यमदूत हूँ। देखो देखो चुप हो जाओ ना, ना
ऐसे नहीं रोना, सुनो किसी भी सी मत क्या करो, गंदा लगता है मुझको, ऐसी हरकतें करते तभी मुझे बुरा लगता है। बाबू भाई आप देख रहे हो ऐसी हरकतें करता है आदमी, ऐसी हरकतें तेरी तभी बात नहीं करता, लेकिन मजा बहुत आता है मुझको। अब चाहते क्या हो तुम दोनों, अपनी बकवास बंद करो। जब फैसला मैं नहीं मेरा बॉस करेगा। हाँ हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं सर आप? जी 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 विपुल जी, विपुल जी सर हो जाएगा सर। विपुल इसका, ए विपुल से बात करा मेरी। चल बे तेरे जैसा तुच्छ लोगों से बात नहीं करता। तुच्छे बात बंद कर यार, प्रोड्यूसर ही ना, कौन सी बड़ी बात है। हट। हाँ प्रणाम सर। हाँ विपुल जी, क्या कुत्ता उत्ता बोल रहे हैं यार मेरे? कुत्ता मेरा है। हेलो। हाँ जी सर मैं सुदेश। नहीं नहीं सर नहीं, फिर कभी स्टेज पे नहीं सर, आपकी गालियां यहाँ पहुंची, ऑफिस में खाएंगे आके। हाँ सर सर सुदेश जी और मैं मर रहे हैं। कहते हो तुम लोग मरोगे नहीं। कैसी? वो जो नया टैलेंट आ रहा है ना उसको निकाल देंगे। हेलो ये कौन है? अबे नया टैलेंट हूँ मैं। मैंने कहा था ना दोस्तों, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अक्षय के घर देर है अंधेर नहीं। तो जजेस कैसी लगी आपको कृष्णा और सुदेश की ये असली जंग? अर्चना आपसे शुरू करेंगे। कृष्णा एंड सुदेश, आई हैव सीन मेनी ऑफ योर एक्ट्स व्हिच आर ब्रिलियंट, दिस वाज नॉट ब्रिलियंट बट इट वाज क्यूट एंड एंटरटेनिंग। सोहेल, सुदेश कृष्णा एंड सिद्धार्थ, यू ऑल वर एब्सोल्युटली फैबुलस एज परफॉर्मर्स हियर। अक्षय आपको इनका एक्ट कैसा लगा? सुदेश जी कृष्णा जी, आप ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती है कि आप इतना अच्छा करते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात से। एक बात ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूंगा कि ये प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूं। परेश जी क्या कहेंगे आप? आपकी टैलेंट के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं, मैंने काफ़ी शोज देखे हैं आपके, यू गाइज आर फैंटास्टिक। बात रही सिद्धार्थ की, कॉमेडी के अंदर सबसे वाइटल कंपोनेंट है इनोसेंस, जिस दिन ये आ जाएगा आप बहुत बहुत मज़ा कराएंगे। थैंक यू। Sohail, we'll start with you. 9. Archana. Huge round of applause.